अभी हम खड़े हैं जमुई लखीसराय NH 35 पर, जहां पर कुछ यात्रियों और टेम्पो ड्राइवरों से मैंने बात अवगत हमने कराया उनकी उनकी समस्याओं से। लोगों का जब मैंने बाइट लिया, उनसे जानकारी ली, तो मैंने पाया कि उन्हें 2-3 घंटे टेम्पो का इंतजार करना पड़ता। उनकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार हमें मिली कि जो लोग लखीसराय अथवा जमुई से आकर नेतरहट होते हुए मननपुर जाना चाहते हैं, उन्हें 1-1.5 घंटे का समय बिताना पड़ता है। दूसरी तरफ यहां के ड्राइवरों से जब मैंने बात की, उन्होंने बताया कि दिन भर में मैं सिर्फ एक ही ट्रिप चल पाता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन है। लॉकडाउन में हम लोगों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि दिन भर में जब मैं 300 रुपये कमाता हूँ, तो उनमें से 100 रुपये तेल खर्च और 100 रुपये बैरियर चार्ज ही दे देता हूँ। इसके तहत हमारे पास मात्र 100 रुपये ही बचती है, जिससे हमारा घर चला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इनकी समस्याओं को कौन और कितने दिनों में सरल कर पाएंगे या कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ KJ News लखीसराय। ये बताइएगा आपका नाम क्या हुआ? नागेश्वर यादव। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं काकन अथी से, अगैया से। और कहाँ जाएंगे? जाएंगे काकन। क्या यहाँ जो अभी आप खड़े हैं, तो यहाँ से कौन से तरीके से आप जाएंगे? यह टेम्पो जाएंगे यार। क्या क्या आपको इस कोरोना काल में टेम्पो मिल पा रहा? अभी तो हमको नहीं पता है, उधर से आ रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा। कितने देर से यहाँ पर बैठे हुए? अभी 10 मिनट हुआ है। और कितने देर के अंतराल में आपको टेम्पो मिल जाएगी, ये अनुमान? अनुमान हमारा दो आदमी उधर पीछे है, साथे जाएंगे अगर मिल जाए। यहाँ पर खड़े हैं, इस जगह का क्या नाम है? ये जगह का नाम है नेतरहट। यहाँ से किस तरीके से आप जाएंगे? टेम्पो से जाएंगे। क्या आपको इस कोरोना काल में टेम्पो मिल पा रहा है? मिल रहा है। इसके लिए आपको कितना देर का इंतजार करना पड़ता है? अरे आधा घंटा एक घंटा, टाइम का कोई वैल्यू नहीं। आपका शुभ नाम? आनंदी माता। बताएंगे जी, राहुल कुमार। आप यहाँ कहाँ जा रहे थे? बस हम लोग सर यहाँ स्थायी निवासी है मननपुर के आसपास के, और हम लोग लगभग मार्केटिंग होता है कुछ नेतरहट में, तो हम लोग आते जाते रहते हैं। और थोड़ा सा परेशानी ये भी होता है कि जिस तरह से पहले हम लोगों को जिस तरह से आ जाते थे आराम से, और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानी हमारे साथ नहीं बिल्कुल, और जो भी हम लोग हैं उनके साथों में हो रही है। और गाड़ी का, गाड़ी से जो हम लोग ऑटो जो हाँ मिलती है टोटो, उसे आते जाते हैं, उससे चार्ज भी बढ़ गया। मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं नेतरहट से मननपुर, उसके बीच में इधर फिलहाल भाड़ा जो है 20-30 रुपये हो गया। उसके बाद टाइम भी लेता है कि चलो भाई आप लोगों को 10-20 मिनट में छोड़ देते हैं, लेकिन इसके एवज में हम लोग 2-3 घंटा वेट करना पड़ता है, और समय से हम लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं, बहुत सारा काम लॉस हो जाता है। तो ये समस्या जो है लॉकडाउन से हम लोग झेल रहे हैं, और जो भी आम आदमी है उससे को काफ़ी परेशान। आप अपना नाम बताइएगा। पप्पू कुमार। कौन सा काम आप करते हैं? ऑटो चलाते हैं। आपका ऑटो कहाँ से कहाँ तक चलता है? नेतरहट से लखी स्टेशन चलते थे, लेकिन अभी तो स्टेशन नहीं जा रहे हैं, जम्मू मोड़ तक रहते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी लॉकडाउन में बंदी को लेकर के दिन भर में कितना आमदनी हो जाता होगा आप लोगों का? पर सर वही 200-300 रुपये बच गया, उसमें डीजल उजल खर्चा सब कुछ है सर, बैरियल भी लगता है, 200-250 रुपये बचता है सर, ज़्यादा उसमें तो बचत है ही ना। ऐसे में पदाधिकारी और अधिकारी आप लोग जो देखने के लिए आते हैं, उनसे आप लोग क्या मतलब क्या आग्रह करते हैं? आग्रह ही करेंगे सर, अगर बढ़िया रहेगा हम लोग सुविधा अगर मिल जाए, लॉकडाउन फ्री हो जाए, चलने में 2 रुपया कमाएंगे और क्या बचत हो। आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र राम। आप कौन सा काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? मननपुर से लेकर नेतरहट तक। ये बताइए कि सुबह से शाम तक में आज जो मतलब कि बंदी है, इसी परिस्थिति में आप लोगों को सुबह से शाम तक में कितनी आमदनी हो जाती है? कहाँ सुबह से नंबर लगाते हैं, सवारी तो पते नहीं रहता सर, एक दो को सवारी आता हुआ बिकता है, बहुत आधा घंटा से बैठे हुए भाग जाता है, पैदल निकल जाता है, बहुत ही आफत है।
दिन भर में आप लोगों की क्या आमदनी हो जाती होगी? कभी 150-200 रुपया तो चले चल जाता आने जाने में। कितने घंटों के दरमियान में आप लोगों को सवारियां मिल जाती होगी? लगभग 3 घंटा लगभग लग जाता है गाड़ी भरने में, 3 घंटा लगभग लग जाता है।